खबर बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद की ट्रांसफर कर दी गई है। अगले साल बाजवा साहब अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं और फैज हामिद जो है वो सबसे बड़े प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। फैज हामिद साहब जो है जो ISI के DGISI थे तो उनको ट्रांसफर कर दिया गया है क्योंकि वो बगैर पूछे जो है वो काबुल चले गए थे, जो बात बाजवा साहब को पसंद नहीं आई। लड़ाई ऐसी थी कि बाजवा साहब बिल्कुल पसंद नहीं करते थे फैज हामिद को, जब से वो गए थे वहां पर अफगानिस्तान काबुल जाके सरकार बनवा के आए थे तब से ही अमेरिका की आंख में भी खटक रहे थे जनरल बाजवा को, और जनरल बाजवा तभी से मौके ढूंढ रहे थे कि कैसे इसे साइडलाइन किया जाए और अब मौका मिलते ही साइडलाइन कर दिया गया है। DGISI तब्दील हो रहे हैं, उनके जनरल फैज साहब को तब्दील कर दिया गया है। अगर मैं खुले दिल से बात करूं और थोड़ी सी बेझिझक होकर बात करूं तो ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर इसके बड़े गहरे असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाना, वहाँ पे सरकार बनवाने के लिए ये महंगा पड़ेगा, ये स्टार्टिंग से बोला जा रहा था। इनको महंगा पड़ेगा और पाकिस्तान को भी महंगा पड़ेगा। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय। एक खबर चल रही है पाकिस्तान के सर्कल्स में और पाकिस्तान के लोगों में कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद की ट्रांसफर कर दी गई है। काफ़ी टाइम से ये खबरें चल रही थी कि इनकी बाजवा साहब से यानी कि आर्मी चीफ से बहुत अच्छी बनती नहीं है और इनकी ट्रांसफर कर दी जाएगी। प्रेशर भी बहुत था पाकिस्तान पर कि DGISI की ट्रांसफर की जाए। जब से ये अफगानिस्तान गए थे वहाँ पर तालिबान की सरकार बनवाने, तब से प्रेशर और ज़्यादा बढ़ रहा था। पाकिस्तानी आर्मी इस पर चुप है, पाकिस्तानी आर्मी चीफ का ऑफिस इस पर चुप है। खबर बड़ी स्ट्रॉन्ग है। एक पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम ने इसको ट्वीट किया था सबसे पहले और उसके बाद सक्सेसिव जर्नलिस्ट्स, लाहौर प्रेस क्लब के चीफ ने भी इसको ट्वीट किया है कि हो गई, और बोल टीवी के चीफ हैं वो, उन्होंने ट्वीट किया और अब साथ में लिस्ट भी अपने ट्विटर पे लगाई है। खबर ये कि इनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम नए DGISI होंगे और इनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है पेशावर, कोर कमांडर पेशावर। तो इतनी की पोस्टिंग से हटाना और कोर कमांडर पेशावर बनाना, ये पनिशमेंट पोस्टिंग ही होगी। अगले साल बाजवा साहब अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं और फैज हामिद जो हैं वो सबसे बड़े प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। लड़ाई ऐसी थी कि बाजवा साहब बिल्कुल पसंद नहीं करते थे फैज हामिद को, जब से वो गए थे वहाँ पर अफगानिस्तान काबुल जाके सरकार बनवा के आए थे तब से ही अमेरिका की आंख में भी खटक रहे थे। अमेरिका ने कई बार बोला था कि ये तालिबान को सपोर्ट कर रहा है आदमी, इसको हटाओ इस ISI चीफ की पोस्ट से, और तभी से एक प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी था कि आपका ISI चीफ वहाँ गया है, इसका मतलब कॉन्क्रीट एविडेंस है हमारे पास कि तालिबान को सपोर्ट करते हैं आप। ऐसा खबर है कि बिना आर्मी चीफ से पूछे वो काबिल पहुंच गए थे, वहां जाके गवर्नमेंट बना के आ गए थे और ये चीज़ पसंद नहीं आई थी आर्मी चीफ को यानी कि जनरल बाजवा को, और जनरल बाजवा तभी से कोशिश कर रहे थे, उनको तलब कर लिया गया था, उनको माफ़ी के बाद वापस भेज दिया गया, लेकिन जनरल बाजवा को, और जनरल बाजवा तभी से मौके ढूंढ रहे थे कि कैसे इसे साइडलाइन किया जाए और अब मौका मिलते ही साइडलाइन कर दिया गया है। फैज हामिद के खास जो है, या फैज हामिद जिनके खास हैं इमरान खान इनको बहुत सपोर्ट करते हैं और नेक्स्ट आर्मी चीफ देखना भी चाहते हैं इनको, लेकिन बाजवा साहब इसमें एग्री नहीं करते हैं। बाजवा साहब को ये पसंद नहीं है। ये अमेरिकन सैंक्शंस का एक और गेम इसमें बीच में अटका। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाने के लिए बिल लाया और बिल में ये बोला गया कि ISI चीफ वहाँ गए थे फैज हामिद, तो उस बिल से भी खासा डरा हुआ है पाकिस्तान। मजबूरी में ये स्टेप हो सकता है उठाया भी हो, जो कि अभी तक इसको पीछे ही पीछे रखा गया है, सामने नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे जर्नलिस्ट इसे अभी ट्वीट कर चुके हैं
कहीं से खबर जरूर आई है सबके पास। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जैसे ही अफगानिस्तान में काबुल पे यानी जो कब्जा हुआ था तालिबान का, तो सबसे पहले जनरल फैज हामिद साहब जो हैं, जो आईएसआई के कहना चाहिए कि डीजी आईएसआई हैं, वो वहां पे हैं कि थे पता नहीं। आजकल अजीब सी न्यूज फैली हुई है, ये भी है कि जी इनकी पोस्टिंग कर दी गई है, इनको कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया, ये न्यूज भी चल रही थी, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही कि वो हैं कि थे, क्या बोलना चाहिए, हैं थे। तो खैर आप लोगों को पता लगे तो मुझे भी बता दिएगा, हर खबर मैंने ही नहीं देनी होती आपको। फैज हामिद साहब जो हैं, जो आईएसआई के डीजी आईएसआई थे, हैं, यार मैं इधर ही फंस गई हूँ, खैर, तो उनको ट्रांसफर कर दिया गया है क्योंकि वो बगैर पूछे जो है वो काबुल चले गए थे, जो बात बाजवा साहब को पसंद नहीं आई। और बाजवा साहब ने कहा, फिर वहां पे आपने देखा उनकी जिस तरह की पिक्चर्स आ रही थी, कभी वो कहवा पी रहे थे, कभी वो घूम फिर रहे थे। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों में वैसे इस तरह का कल्चर है कि मतलब जो करना करो लेकिन खाने पीने के टाइम पे हमें साथ रखा। तो बिल्कुल मुझे लगता है कुछ ऐसा ही हुआ है, इसलिए कि फैज हामिद साहब जो हैं वो गए अफगानिस्तान और बगैर परमिशन के गए, बगैर इंफॉर्मेशन के गए, बगैर इन्फॉर्म किए गए, और वहां जाके उन्होंने जो है वो खूब मतलब अफगानी टिक्के भी उड़ाए होंगे, अफगानी कहवा भी पिया, अफगानी रोटी भी खाई, और उसके बाद वो अपने बातें बातें करके पिक्चर विक्चर बना के और वहां पे जो भी उन्होंने भाषण देना था वो देकर वो वापस आ गए। अब आ तो गए, अब यहाँ पे जो उनसे बड़े और उनके हेड जो बैठे थे उन्होंने कहा कि यार ये क्या तमाशा है भाई, ऐसे कैसे चले गए। और मेरे ख्याल है उनको कहीं दूर किसी स्टेशन पे, जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते, इसकी ट्रांसफर कर दो और किसी खराब सी जगह पे कर दो, तो हो सकता है कोई अच्छी सी जगह। चार जनरल्स की जो है वो पोस्टिंग की बात है, उसमें ये फैज हामिद चौथे नंबर पे, लिस्ट में चौथे नंबर पे। और एक और चीज के इनको ये पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाना, वहाँ पे सरकार बनवाने के लिए ये महंगा पड़ेगा, ये स्टार्टिंग से बोला जा रहा था, इनको महंगा पड़ेगा और पाकिस्तान को भी महंगा पड़ेगा। पूरी दुनिया के निशाने पे आ चुका था पाकिस्तान, सैंक्शंस की बात हो रही थी, UNHCR में बोला जा रहा था, वहाँ यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में बोला जा रहा था, यूनाइटेड नेशंस बोल रहा था। तो एक आदमी जो वहाँ गया था वो अब भी एक इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग पे कैसे रह सकता था? इसलिए बाजवा साहब ने अपनी दुश्मनी, अपनी नाराज़गी मिटाने का बहुत अच्छा तरीका ढूंढा, पूरा ठीकरा फोड़ा फैज हामिद पे और फैज हामिद की ट्रांसफ़र। कोर कमांडर पेशावर जो है, हालांकि ये बोला जाता है कि वहाँ से पेशावर से अफगानिस्तान पर नज़र रखना आसान होगा और पेशावर जो जगह है उस उधर से अफगानिस्तान पास भी पड़ता है और वहाँ से लिंक्स निकलते हैं, पेशावर से लिंक्स इन आतंकवादियों के शुरुआत से निकलते रहे हैं। क्वेटा और पेशावर दो शहर हैं, क्वेटा जो बलूचिस्तान की राजधानी है वो भी, उधर भी तालिबान बहुत कंट्रोल पे रहता है, तालिबान वहाँ पे बहुत सारा है, तालिबान का हेडक्वार्टर भी वहाँ हुआ करता था, वहीं से सारे हथियार वगैरह जाते थे। पेशावर एक और शहर है जहाँ से ये लिंक बनता है और वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक लिंक बना सकते हैं अफगानिस्तान से, लेकिन उससे बेटर लिंक इनका अपने ISI के हेडक्वार्टर से बन सकता था, बना हुआ था इनफैक्ट, तो ये ISI हेडक्वार्टर से चलाना इनके लिए बेहतर होता। अब इनके पास वो नेटवर्क नहीं होगा ISI का जो नेटवर्क पहले हुआ करता था, अब तो वो सिर्फ ऑफिशियल ट्रैक पे बात कर पाएंगे।